हाय फ्रेंड्स, आज हम पान मोदक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने चार पान लिए, 100 ग्राम नारियल पूरा, 50 ग्राम गुलकंद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करिएगा, थोड़ी सी सौंफ, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मावा और एक चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा दूध। पान को हम काट करके और मिक्सर के अंदर बारीक पीस लेंगे। पान को हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर लेंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे। पान को हमने इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। सबसे पहले नारियल का बूरा ऐड करेंगे। इस नारियल के बूरे को हम मिडल आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। नारियल का बुरादा हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम मावा ऐड करेंगे। इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मावे को और नारियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी और नारियल और मावे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पान का पेस्ट मिलाएंगे और इसको धीमी आंच में 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, इसमें 1 चम्मच के बराबर घी ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक मिडल आंच में पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हमारा पान मोदक बैटर तैयार हो गया है। इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। बैटर के अंदर मैं इलायची अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गुलकंद ऐड करेंगे, सौंफ ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मोदक की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम पान मोदक बनाएंगे। सांचे के अंदर पहले अच्छी तरह से घी लगा देंगे। इस तरीके से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारे पान मोदक बन के तैयार हो गए हैं।